आज हम देखेंगे इलेक्शन कार्ड को कैसे हम करेक्शन करेंगे। तो फॉर्म जो आ रहा है NSVP पे जाना है। सबसे पहले हमें हम गूगल पे जाएंगे, NSVP लिखेंगे, NSVP लिखकर एंटर करना है। और फिर पहले जो लिंक है नेशनल वोटर सर्विस, उस पर जाना है। राइट साइड से फॉर्म्स में हमको जाना है। फॉर्म्स में आने के बाद यहाँ पर हमको लॉगिन करना होगा, लेकिन करेक्शन के लिए भी हमारे पास आईडी बनी हुई नहीं होती है, तो उसके लिए हमको पहले रजिस्टर करना होगा एज अ न्यू यूज़र, और मोबाइल नंबर डालकर उसको OTP सेंड करना होगा हमारा आईडी लॉगिन करने के बाद, फिर हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर अगर हमारा करेक्शन है तो हमको IPIC नंबर, आई हैव IPIC नंबर लेना होगा। नया बनाना है तो आई डोंट हैव लेते हैं हम, और करेक्शन है तो आई हैव IPIC नंबर लेकर यहाँ पर वोटर आईडी का नंबर डालना होगा, ईमेल पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड करना होगा। अब इसको हमको रजिस्टर करना होगा। पासवर्ड रजिस्टर करने के बाद यहाँ पर से नन कर देंगे हम, और ये रजिस्टर्ड हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड डाल के अब लॉगिन करना होगा। अब इसके बाद हमको फॉर्म में आना है राइट साइड से। अगर हम न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम फॉर्म 6 लेते हैं, और अब करेक्शन है तो करेक्शन इंट्रीज इन इलेक्ट्रल रोल्स के लिए फॉर्म नंबर 8 में हमको जाना होगा। इसमें आने के बाद वो पूछेगा कि प्रोवाइड कीजिए डिटेल किसके लिए है, सेल्फ या फिर फैमिली, तो सेल्फ करके हम उसको नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर से हमको ज़िला सेलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पर मतदाता सूची के पंजीकरण का विवरण, तो अब यहाँ पर हमको बदलना होगा, ये हम इंग्लिश कर देंगे। इंग्लिश करके अब पढ़ेंगे डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ इलेक्ट्रल रोल। तो यहाँ पर औरंगाबाद का ईस्ट का यहाँ पर आ गया कॉन्स्टिट्यूएंसी, और पार्ट नंबर कौन सा है, सीरियल नंबर, इलेक्ट्रल का, फोटो आइडेंटिटी कार्ड क्या है। अब यहाँ से लेना है कि कौन सा टिक करना है, करेक्टेड, क्या करेक्ट कराना है। तो यहाँ पे हमको इसमें से ऑप्शन लेना होगा कौन सा, चेक बॉक्सेस है, सब अगर गलत है सब भी ले सकते हैं, और एक दो गलत है तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमको देखना होगा कि क्या चेंजेस कर सकते हैं। डिसेबल रहेगा, ऊपर से जितना चेकबॉक्स क्लिक करेंगे उतना खुलता जाएगा जो भी हमको चेंजेस कराना है। तो अगर हमको एज वगैरह जो भी क्लिक कराना है डिसेबल ही कर नहीं सकते, ऊपर चेकबॉक्स क्लिक करेंगे तो वहाँ से खुलता जाएगा। नेम ऑफ रिलेटिव वगैरह, अगर फादर नेम अगर मिस्टेक आई है तो यहाँ पर फादर ले सकते हैं हम, रिलेटिव का सरनेम और रिलेटिव का नेम लिखकर यहाँ से कर सकते हैं। और चेंज ऑफ प्रूफ के लिए हमको कुछ लगाना होगा, और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर लिखकर डिक्लेरेशन लिखना होगा। प्रूफ के तौर पे अगर इलेक्शन कार्ड उनका है बना हुआ तो वो भी जोड़ सकते हैं, और इलेक्शन कार्ड नहीं बना हुआ है तो लाइट बिल या आधार कार्ड जहाँ पर सन ऑफ फादर ऑफ वो लिखकर आ रहा है वो भी ले सकते हैं हम, और उसी तरह से मार्क्स मेमो वो सारा भी जोड़ सकते हैं। अब इसको हम कर देंगे सबमिट।